नोएडा के एक नामी स्कूल में एक छोटी 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बदसलूकी होती है। यह मामला जब अभिभावक तक पहुंचता है तो वो पुलिस में जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन जब मामला पूरी तरह से खुलता है तो पता चलता है कि बच्ची ने इस बात की शिकायत जो है वो क्लास टीचर से की थी। उसके अलावा इस मामले में क्लास टीचर और जो स्कूल का सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको पुलिस इस मामले में गिरफ्तार करती है। जो आरोपी होता है सफाई कर्मचारी, उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूल की जवाबदेही क्या है, और इसी को लेकर जो अभिभावक हैं वो गुस्से में हैं। अभिभावकों का गुस्सा इतना है कि कल स्कूल की तरफ से एक PTM का नोटिस जो है वो जारी किया गया, लेकिन उसके बाद देर रात उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभिभावक चाहते थे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जिसमें वो स्कूल पहुंचें और इस पूरी घटना पर बातचीत करें, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर बातचीत करें। और आज स्कूल के अंदर मीडिया को अलाउ किया गया, मीडिया अंदर आती है और यहाँ जिस जगह आप सभी लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये सभी अभिभावक हैं जो बैठे हुए हैं और उनसे जो बातचीत कर रहे हैं वो जिला प्रशासन के लोग हैं। नोएडा पुलिस के कई बड़े अफसर जो हैं इसमें शामिल हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभिभावकों से बातचीत करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिभावक भी अपनी बातचीत जो है वो सामने रख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मामला जो है छोटे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो क्यों यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, जब जिला प्रशासन के लोग तक यहाँ पहुँच गए, अभिभावकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं उन्होंने DM से बातचीत करी, उसके बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर स्कूल प्रशासन आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा तो हम फिर इस मामले में देखेंगे कि आगे क्या करना होगा। उसी को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे जूनियर विंग का ये मामला है, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है। और जाहिर सी बात है जो गुस्सा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी पेरेंट्स में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील है। फिलहाल बातचीत चल रही है, क्या उसका सॉल्यूशन निकलता है, क्या इसमें स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रशासन के लोग सामने आएंगे, बातचीत करेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे, क्या स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे स्कूल की तरफ से ताकि इस तरह की मामला जो है, इस तरह की घटना फिर ना हो, ये स्कूल प्रशासन का जो स्टेटमेंट है वो सामने आने के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मध्य IBP न्यूज नोएडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.